Welcome guys, this is Manjik Goswami from the PySense Arena. So in today's video, I'm going to discuss about amino acid. Previous video में हम amino acid के introduction के बारे में जान चुके थे, structure के बारे में जान चुके थे और इसी के साथ amino acid के classification के बारे में जान चुके थे on the basis of their groups, requirement, nature and occurrence. Standard amino acids क्या होते हैं, non-standard amino acids क्या होते हैं, essential, non-essential, classification on the basis of their R group. Then polar, non-polar क्या होते हैं, तो ये सभी हम डिस्कस कर चुके थे. अगर तो आज की वीडियो से पहले अगर आप ये प्रीवियस वाली वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए और भी अच्छा होगा और उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. तो आज की इस वीडियो में हम ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. अमीनो एसिड की एक और मेजर प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी. तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझने से पहले सबसे पहले हमें एक टर्म क्लियर होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं काइलैरिटी. तो काइलैरिटी मेजरली होता क्या है, तो हमें पता है जो हमारा कार्बन होता है, कार्बन चार बॉन्ड बना सकता है. अब ये जो कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, चारों के चारों बॉन्ड ये अलग अलग ग्रुप के साथ बनाए, तो इसको हम बोलते हैं काइलैरिटी. कहने का क्या मतलब है, इसका एक हम सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एलिनीन का. एलिनीन का सिंपल स्ट्रक्चर ये होता है, कार्बन के चार बॉन्ड है, एक तरफ CH3 है, एक तरफ COOH है, एक तरफ NH2 है और एक तरफ हाइड्रोजन है. तो कार्बन के चारों तरफ अलग अलग ग्रुप है, इसके पास चारों अलग अलग चीजें हैं, तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कार्बन की एलिनीन, सॉरी काइलैरिटी बोलते हैं. और जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं सभी ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि सभी काइलैरिटी शो करते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को छोड़कर. ग्लाइसिन का सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है, तो ये हमारा ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है, एक तरफ COO है, NH3 है और दोनों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो ये हमारा काइलैरिटी शो नहीं करता है. अदर देन दिस जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमारे काइलैरिटी शो करते हैं. तो ऑल अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन, इस लाइन का क्या मतलब है अभी ये भी क्लियर करेंगे. देन कार्बन पे ये चारों अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उस कार्बन को हम काइरल ग्रुप, सॉरी काइरल कार्बन बोलते हैं. तो इस एलेनिन में काइरल कार्बन कौन सा है, हमारा ये वाला है. अब हो सकता है किसी अमीनो एसिड में सिर्फ एक काइरल कार्बन हो, ये भी हो सकता है किसी अमीनो एसिड में दो काइरल कार्बन हो. तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें एक भी काइरल कार्बन नहीं होता, जैसे कि तो अमीनो एसिड जिसमें एक भी काइरल कार्बन नहीं होता वो है हमारा ग्लाइसिन. और कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही काइरल कार्बन होता है, जैसे कि हमने एलिनीन में देखा. तो जितने भी अमीनो एसिड होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन, थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन, इन तीनों को छोड़कर जितने भी कार्बन होते हैं वो हमारे, सॉरी जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें एक काइरल कार्बन ही प्रेजेंट होता है. अब कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं, सिर्फ हमारे दो अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनमें दो काइरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं. कैसे, पहला थ्रियोनिन, अगर हम इसमें देखें एक कार्बन हमारा ये है, तो इसके साथ चारों ग्रुप क्या क्या अटैच है, एक तरफ CH3, एक तरफ OH है, एक तरफ ये हाइड्रोजन को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, तो एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ ये पूरा आर ग्रुप प्रेजेंट है, तो एक कार्बन ये हो गया काइरल कार्बन. दूसरे की अगर हम बात करें इस वाले कार्बन की, तो एक तरफ ये पूरा प्रेजेंट है, एक तरफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक तरफ COOH प्रेजेंट है और एक तरफ ये किससे बॉन्डेड है, NH2 से है, तो थ्रियोनिन में हमारे दो कार्बन हो गए. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. अगर हम बात करें आइसोल्यूसिन की, तो इसमें भी एक कार्बन हमारा ये है काइरल कार्बन, जिसकी तरफ ये COO, NH3 और हाइड्रोजन और फोर्थ बॉन्ड किसके साथ है, इस पूरे आर ग्रुप के साथ है. अब दूसरे कार्बन की अगर हम बात करें, तो इसमें और दूसरा कार्बन हमें क्या दिख रहा है, ये C. तो इस हाइड्रोजन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये कार्बन एक हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, तो एक और ये पूरा एक हो गया. तीसरा बॉन्ड किसके साथ है, CH3 के साथ है और चौथा बॉन्ड इसके साथ है. तो आइसोल्यूसिन के पास भी कितने बॉन्ड होते, सॉरी कितने काइरल कार्बन होते हैं, दो काइरल कार्बन होते हैं. तो जीरो काइरल कार्बन किसके पास होगा, ग्लाइसिन के पास.
दो कायरल कार्बन किसके पास होते हैं, थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन के पास, और अब जितने भी अमीनो एसिड्स बचे हैं वो सभी उन सभी में एक ही कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को हम एग्जांपल के साथ अच्छे से समझते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया है नॉर्मल लाइट है हमारी, कोई भी नॉर्मल लाइट है जिसकी जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है और वेवलेंथ भी अलग अलग है। अब क्या करेंगे, इस नॉर्मल लाइट को हम पोलराइजर से पास आउट कराएंगे। पोलराइजर का ये जो अलग अलग डायरेक्शन में हमारी लाइट जा रही है, इसको ये सिंपल एक डायरेक्शन में पास कर देता है, यानी कि सिर्फ सिंगल डायरेक्शन वाली लाइट ही पास होगी। तो इस लाइट को हम क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। देन अब ये जो हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, जो सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में ही मूव कर रही है आगे, अगर हम इसको किसी भी ऐसे अमीनो एसिड के सॉल्यूशन के साथ, यानी कि वो सैंपल जिसमें कायरल अमीनो एसिड प्रेजेंट है, इसके थ्रू पास कराएंगे, तो क्या करेगा, ये एक स्पेसिफिक रोटेशन दिखाएगा। इस लाइट का रोटेशन हो जाएगा, या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसमें क्लॉकवाइज दिखाया है, तो वो अमीनो एसिड जिनकी वजह से जो रोटेशन होती है वो क्लॉकवाइज हो जाती है, उनको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो, और जिनकी वजह से जो रोटेशन होता है वो लेफ्ट साइड होता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होता है, उनको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब ये जो रोटेशन होता है, स्पेसिफिक रोटेशन को हम कैलकुलेशन के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, रोटेशन का क्या एंगल है, किस एंगल पे ये रोटेट कर रहा है, डिवाइडेड बाय ट्यूब की क्या लेंथ होगी, ट्यूब कौन सी जिसमें हमने सैंपल रखा हुआ है, कायरल अमीनो एसिड वाला सैंपल रखा हुआ है, तो इसकी लेंथ क्या है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड सैंपल। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम किसी भी स्पेसिफिक रोटेशन को निकाल सकते हैं।